अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अमार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरी ये तीन बेटियां मौजूद हैं और हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। वी आर नॉट श्योर कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डिनर पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वी आर नॉट श्योर। तो थैंक यू सो मच, वी हैव फाइनली रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड इसी तरह आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह मुझे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज कमेंट जरूर करते रहिए कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय डॉटर्स, हाजरा आदि अभी नहीं है लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय डॉटर्स, दे हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल माय व्लॉग्स। Thank you so much, darlings. Thank you so much. Also, I think we're mostly the reason why your followers became. Yeah. Okay. So they are one of the reasons why my followers are increasing. So thank you very much. So let's go and enjoy the vlog. So, जी हम लोग आ चुके हैं गालिब टीपू सुल्तान रोड ऑन टॉप ऑफ हैबिट। तो वी हैव कम हियर एंड ऑल माई गर्ल्स आर हियर। गर्ल्स, सो इनसे पूछा गालिब का रास्ता किधर है। सो वी आर गोइंग फॉर गालिब। यार गालिब किधर है, ऊपर है अंदर ही? ओके चले जी। और ये हैबिट के ऊपर है, टीपू सुल्तान रोड के ऊपर, एंड दिस इज हैबिट, वी आर एंटरिंग हैबिट, एंड हियर इज मरियम रहमा, मरियम एंड रहमा एंड आमना, ऑल आर हियर एंड वी आर गोइंग टू गालिब। कहाँ है? अच्छा जी, गालिब में दिस विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट गालिब, सो टैग योर सेल्फी एंड गेट अ गिफ्ट हैम्पर। आई रियली कैन अच्छा, आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स गो टू गालिब एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं जी। ओके लेट्स गो ओके आई एम गोइंग सो हियर वी आर। और ये आ गई है मेरी तीनों बेटियां इधर आ गई हैं सामने। Oh yes, we had a very bad experience in the lift. Let me explain. So once we were in a mall and we all were going up in and different floors and checking them out. And this big faced lady, she is the culprit. He was with me, so I thought that he got out. And I did not know that he would get out, and I pressed all the buttons. They pressed all the buttons. उन्होंने सारे इमारती लिफ्ट के buttons दबा दिए थे और ये लोग ऊपर नीचे चले गए। So आइए, so we are here. You have been here? अबू के दोस्तों के साथ। और चचा की शादी में भी इधर आए थे ना? अच्छा, आप नहीं आए? तो we have come to गालिब and अभी seat लेते हैं, उसके बाद फिर we'll get back to you. So, हमें टेबल मिल चुकी है जी एंड हियर वी आर, दिस इज आवर टेबल, कम ऑन गर्ल्स। और यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका दिखा दूँ, गालिब पर नाश्ता भी होता है आला कार्ट के ऊपर एवरी संडे फ्रॉम 9 to 1। तो अब टेबल मिल चुकी है, टेबल पर बैठते हैं और इनका मेन्यू चेक करते हैं, लेट्स सी के पहले एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो इनकी सर्विसेज भी देखते हैं कि कैसी सर्विसेज हैं, कैसा खाने की क्वालिटी है, एंड मैं अपने व्लॉग पर सारी चीजें डालूंगा। सो लेट्स सी। तो एक अंदर से राउंड लगाएं, आइए। सो वी आर एंटरिंग द मेन हॉल और इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह का रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये रूफ टॉप पर है, अबव हैबिट, एंड ये इनका पूरा लाइव किचन भी नजर आ रहा है, एंड इट्स अ गुड प्लेस। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हैबिट, ये पहला एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
ये इनकी पूरी सीटिंग है। ओके सो रूफ टॉप पर है। अच्छा इससे ऊपर भी है, अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से ऊपर भी है। सो लेट्स गो। और ये थोड़ा सा ये दिखा दीजिएगा, लाइव तंदूर वगैरह है, लाइव आप देख रहे हैं कि रोगनी नान बन रहे हैं। और ये देखें जी किस तरह रोगनी नान बना रहे हैं इसके। और यहाँ पूरी पराठा बन रहा है, ये पराठे बन रहे हैं इधर। और ये सिटिंग दिखा दी आपने एक दफा। ओके तो ये सिटिंग बहुत जबरदस्त, और आज क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश हुआ हुआ है, तो हमें भी इस तरफ जगह मिली है। सो विल बी सीटिंग है। ये हमारा एक कबाना सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, और इधर बैठते हैं, इनका मेन्यू चेक करते हैं। तो लाइटिंग थोड़ी सी कम है। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ आ चुके हैं एंड वी ऑर्डर इट, ऑर्डर द फूड मेन्यू दिखाते हैं आपको सबसे पहले एंड व्हाट वी आर ऑर्डरिंग, तो उसके बाद फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी ये है गालिब का मेन्यू, और ये जनाब आली, ये आगे इनके स्टार्टर्स हैं। मूव योर फिंगर, इनके स्टार्टर्स हैं। अच्छा इनके पास चाट्स वगैरह भी हैं, उसके अलावा ये आ गया बारबेक्यू सेक्शन, कढ़ाई सेक्शन, ये आ गई हांडी आ गई, शेफ्स रेकमेंडेशन आ गई है, फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड है जी, इसमें आपको सैंडविच नज़र आ रहा है, इसमें आपको पास्ता नज़र आ रहा है, इसमें मोरक्कन पार्मेजन चीज चिकन नज़र आ रही है, स्टेक्स हैं, पिज्ज़ा है, अच्छा किड्स कॉर्नर है, और राइस है, नान पराठा चपाती, हॉट बेवरेजेस हैं और डेजर्ट्स हैं। और मैं और भी दुनिया में सखी व मोहब्बत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो चलें जी अब हम लोग दिखाते हैं, ये मरियम बैठी हुई है। मरियम हाउ इज द प्लेस? जोर से वेरी क्यूट आमना। ओके एंड रामा व्हाट्स योर? ओके और ये मैं आप लोगों को दिखा दूं किस तरह से इनकी लाइटिंग है, और ये पूरा रूफ टॉप पर बना हुआ है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कबाना टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बने हुए हैं, और ये पूरी एक और जगह भी मौजूद है इधर सेटिंग की। बहुत बहुत बड़ा, लाइक मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इतफाक ऐसा हुआ है कि मैं अभी तक इधर आया नहीं हूँ, और अभी आगे चलकर दिखाते हैं, पहले हम लोग ऑर्डर कर लें उसके बाद फिर हम आगे चलकर दिखाते हैं कि क्या क्या है। सो वी आर सेटिंग हियर, तो लेट्स ऑर्डर सम फूड। तो जी हम लोग खाना ऑर्डर हो चुके हैं, और ये आप देख लें जी काले, और ये इनकी पूरी ऊपर की सीटिंग अरेंजमेंट है, ये दूसरी साइड की सीटिंग अरेंजमेंट है, और बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। आई होप कि खाना भी उसी तरह आए। और ये देखें ये कराची की साइकिल रिक्शा, और अब हम जा रहे हैं इस तरफ। यहाँ सारा जो है वो कबानास बने हुए हैं, वहाँ सीटिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि इनका खाना भी अच्छा हो, और काफ़ी रश नज़र आ रहा है। अच्छा कराची की एक ख़ासियत यह है कि यहाँ हर रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएँ, तो रश उसी तरह नज़र आएगा आपको, और नो डाउट कि खाना भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये तख्त वाला सिस्टम हुआ हुआ है, यानी आपको यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल कैजुअल हर चीज़ नज़र आएगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तख्त लगे हुए हैं। सो लेट्स सी, और आई होप कि जो फूड आएगा उसका भी टेस्ट अच्छा होगा। हम लोगों ने पेपरोनी पिज्ज़ा मंगवाया है, हम लोगों ने मोरक्कन स्टेक मंगवाया है, मोरक्कन स्टेक और चिकन हांडी, और राहिमा इज बिजी विद मोबाइल जो कि अब बंद होने वाला है, और आमना और मरियम
They are patiently waiting for the food. Okay. So, मरियम को ज्यादा भूख लग रही है. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद मरियम, वेरी वेरी इंप्रेस्ड. क्योंकि इस तरह के अम्मू और पापा आप लोग जो मंगवाएंगे मैं वही खाऊंगी. सो शी विल बी शेयरिंग विद मी एंड माय वाइफ और आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू पिज्जा स्लाइसेस एज वेल एंड माइट बी मोरक्कन स्टेक. रामा कैन यू स्विच दिस ऑफ? थैंक यू, थैंक यू. एलिवेटर सीन की मरियम स्टोरी सुना रही है. सो जस्ट होल्ड ऑन. ओके, मैं माइक मरियम को दे दूं, इन लोगों को दे दूं ताकि दे कैन टेल द स्टोरी. वी आर हियर और मरियम और रहमा विल नरेट द स्टोरी जो ये लोग लिफ्ट में फंस गए थे. तो यस, कम ऑन गर्ल्स. मरियम यू, चलो यू स्टार्ट. सो व्हाट हैपेंड वाज वी वेंट टू एमआर वन डे बिकॉज़ वी थोड़ा सा उर्दू में भी एक दफा हम एमआर गए थे एंड and we wanted to check out the entire place and jaldi so we were going in the lift and then suddenly this sheriff is to come up. This girl pressed all the buttons and my father he couldn't even come in the door. He couldn't even come because the door had shut. Okay, up now inside the elevator. So I thought that mere mic ke paas aa gaya. So I was like, I wanted to do something, a prank with him. So I was like, let's go. I called everyone in because I also thought we were leaving. So I just pressed all the buttons. I would see that if how would Ammu react if we were already. Ammu just went out and the door of the elevator was closed. I would have started in. I bursted out crying. I tried opening the door. It was not opening. Everyone was crying. Wait, like guess what? This is a story of myself in that situation. Yes. Right now. So when we all dropped off at the 18th floor, but I said I wanted to go back down. I didn't want to go in that floor. And the door is closed. Like, I was the only one in there. Achha, the bottom line is ke... Shh, Ammu, please. Mama, please let us tell the story. So, Ammu, Mama was banging the door from outside. Ammu, we did it. Okay, so the bottom line is... Baba, let us tell the story. Hajra was so calm. समझ में नहीं आया व्यूअर्स को. इतनी जोर जोर से तुम लोग बोल रहे हो, इतनी तेज थे. बॉटम लाइन ये है कि ये लोग लिफ्ट में बंद हो गए थे इमार की और मरियम ने अंदर जाकर सारे फ्लोर्स पर और बटन दबा दिए और लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती रही लाइक टिल 24-25 फ्लोर तक. हर फ्लोर पर लिफ्ट रुकी है और आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ. लेकिन मैंने अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इट वॉज अ मिस्टेक, अ जेन्युइन मिस्टेक. सो दैट वॉज द होल स्टोरी. तो हमारा मोरक्कन स्टेक आ चुका है, इधर रख दीजिएगा प्लीज. और सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? इसरार अली नाम. इसरार अली ने हमें सर्व किया मोरक्कन स्टेक. तो रहमा का मोरक्कन स्टेक आ चुका है. ये स्टेक देखें, इसमें फ्राइज, सॉस एंड और ये हमारी चिकन हांडी आ चुकी है. सो इसको जरा ओपन कर दें. जरा ओपन कर दो यार. ओपन, ये चिकन हांडी आ चुकी है. अच्छा, सर्विंग टाइम जो है विद इन मेरे ख्याल में 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा खाना आ चुका है, सर्व हो चुका है. और ये गार्लिक नान भी आ चुका है, गार्लिक नान भी आ चुका है. अब हमारा पिज्जा रह गया है और पिज्जा भी बस आ रहा है और फिर हम लोग देखते हैं. और मीठे में क्या क्या है? मीठे में सर हमारा गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, इस तरह से दूसरे कुल्फी फालूदा है हमारे. गुलाब जामुन, कुल्फी फालूदा, गाजर का हलवा, सारी चीजें ट्राई कर लेंगे. स्पेशल अच्छा स्पेशल है. चलो चलो वो भी चेक कर लेते हैं. तो पहले बस पिज्जा आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं खाना. अच्छा जी, असरार भाई हमारा पिज्जा भी लेकर आ चुके हैं एंड पेपरोनी पिज्जा. असरार प्लीज इधर रख दीजिए. और ये आमना का पिज्जा आ चुका है. और अब हम सबसे पहले टेस्ट ट्रायल करेंगे केचप. केचप आ चाहिए. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रहमा. रहमा, हाउ इज इट? हाउ इज द स्टेक रहमा? Amazing. Okay. I will try later because it's perfect. Okay. And Mariam, so your Mariam is eating chicken handi. It's very yummy. Say. Very yummy. Out of 10? 10.
10. Okay. And Rama, out of 9.5 because it's really hot and spicy, but it's so good. Okay. And Amna, how's it? How's your pepperoni pizza? Good? Out of 10? 8.5. Okay. तो अब हम लोग भी जी खाना स्टार्ट करते हैं और कम मंगवाया था क्योंकि कम लोग हैं, बच्चियां ज़्यादा खाती नहीं हैं। तो आमना का पूरा पिज्ज़ा आ चुका है और रहमा का स्टेक और हमारी चिकन हांडी। अब हम स्टार्ट करते हैं खाना। हमारा डिनर हो चुका है, बिल हो चुका है। असरार की सर्विसेज वर वेरी गुड। बहुत ज़्यादा रश हुआ है जिस तरह मैंने आप लोगों का पूरा दिखाया था गालिब का, और वेटिंग पर आप सिर्फ लोग देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हमें दी हैं। खाना बहुत, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड वी हैड सम अमेजिंग अमेजिंग टाइम एंड द फूड वॉज अमेजिंग एंड डिलिशियस। एंड इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखेंगे और छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे। एंड प्लीज हम सब की तरफ से एक मैसेज है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड यस प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अम्मार फारूकी ऑफिशियल ब्लॉग्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सो फाइनली अम्मार फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।